डॉक्टर साहब राम राम। आइए बैठिए। डॉक्टर साहब हमारा नाम सत्तू है। डॉक्टर साहब का नजला भर गया है लगता है। देखिए अब दोनों बाहर जाइए, यहाँ भीड़ क्यों लगा रहे हैं? मैं देख लूंगा आपके पापा को। जाइए। ना डॉक्टर साहब इन दोनों का भी इलाज करना है। वो मुफ्त वाला स्कीम में आए हैं ये दोनों। व्हाट स्कीम? डॉक्टर साहब ये देखिए। यहीं का तो नाम लिखा है ना इसमें। डॉक्टर साहब ये है हमारा बड़ा लौंडा, इसके सिर में जुए हो जाते हैं, और ये है हमारा छुटका। एक तो ये नहात कम है, लेकिन जब नहात है तो इसके बदन पर पित्ती उछरावत है। मिस मलियाबाल What the hell is this? किससे पूछ के यार दिया गया? सर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। Yes, yes, of course. तुम्हें तो कुछ ही मालूम नहीं होता। तुम्हें तो अपना भी नहीं पता होता कि कब तुम्हें घाट में डुबाया जाएगा, कि कब तुम्हारे पाल काटे जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं ये किसका क्या हुआ है। अरे वाह 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 वाह, आ गए अरे भैया। धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है बंसी, अपना ही अस्पताल है, है? तो वही लोग के लिए तो खुलवाए हैं। धन्यवाद की कोई बात नहीं, मजे में इलाज कराओ एकदम आराम से, ठीक है? पूरे कानपुर को हम साला रोग मुक्त करके ही मानेंगे। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बीनी बीनी, गुड मॉर्निंग। अरे क्या हम बताएं डॉक्टर साहब, हम साला सहरे अंगूठा छाप गंवार आदमी, हम साला कल समझ ही नहीं पाए कि सबके सामने आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, हैं? हम उसको थोड़ा सा हम समझे नहीं, हम गलत ले लिए उसको। लेकिन एक बात बताएं, आप जो सबके सामने कह रहे थे ना कि हम अंगूठा छाप आदमी हैं, धंधे को दौड़ा देते हैं, एकदम सही कहे आप। ऐसे ही थोड़ी एक से हम 12 राशन की दुकान खोलिए, एक छोटा सा नमूना बताते हैं आपको। कहा है कि 1 लीटर मिट्टी तेल के साथ हम 1 पाव चीनी जो है वो फ्री कर देते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती हमारे दुकान पे। ऐसे ही थोड़े लोगों के मसीहा बन गए हैं हम, हैं? डॉक्टर साहब वैसा ही किए हैं, 1 के साथ 3 लोगों का इलाज एकदम फ्री। अब करिए सबका इलाज, दाद खाद खुजली सब मिटाइए आप लोग। अस्पताल का पहला दिन है तो हम सोचे कि मरीजों का तोहफा आपको दे दें। ऐसा है डॉक्टर वीर सहाय, अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेटा जो है वो बाप हो गया। और हम तो कानपुर के हैं बड़े शुक्ला, सबके बाप हैं हम। हमारा बाप बनने की कोशिश मत करना, समझ गए? जाओ सबका इलाज करो, दिन भर बिजी रहोगे, जिंदगी भर तुमको बिजी करेंगे, टेंशन मत लो। जाओ अब करो इलाज, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो हमको बता देना, मंत्री जी को फोन करके बोल देंगे। जो लंदन के डॉक्टर आए हैं ना, खाली सूट बूट पहन के अब अंग्रेजी बोल के डरवाते, कागजी शेर हैं, बाकी कुछ है नहीं। लग जाए काम पे। बहुत घमंड है तुम्हारे ससुर साहब को कानपुर के होने का। इन्हें लगता है कि मैं लंदन से हूं, मैं डर जाऊंगा, I'll get scared, right? अगर ये भूल जाते हैं कि पैदाइश हमारी भी कानपुर की है,
16 साल तक हमने भी कनपुरिया पानी पिया है, अब हम दिखाते हैं बोकाल पोता का है। ना डॉक्टर साहब, ये दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? अंदर आना। यस सर। अजीत सुनो, जाओ जाके ऑपरेशन थिएटर रेडी करा दो। ऊपर से आदेश आया ना जो, वो आज पूरे हो जाने चाहिए। जी अजीत, जाओ जाओ जाओ, जाके रेडी कराओ, जाओ। जी डॉक्टर साहब, लगता है कोई ऑपरेशन भी है आज आपका, है ना? सत्तू बाबू, अब देखो देश की असली समस्या क्या है, जनसंख्या। मानते हो ना इस बात को, है ना? जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बीमारियां, है ना? और इसमें गलती क्या है? एक बार जनसंख्या कंट्रोल कर ली ना, तो सारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना? लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये सब हमें काहे बता रहे हैं? अगर नसबंदी आपकी होनी हो तो बताना तो पड़ेगा ना पहले। नसबंदी? डॉक्टर साहब, नजले का नसबंदी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, हमने इतने इश्तेहार छपवाए किस लिए? ताकि और लोग आए, हम अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। और वैसे भी आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? क्यों? आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। पापा, ये नसबंदी क्या होता है? अरे चुप। चलो, नहीं, मैं हमको नहीं कराना। सुनिए सब लोग, सारे मर्द प्लीज एक तरफ हो जाए, और औरतें एक तरफ। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, बीमारियों की असली जड़ है बढ़ती आबादी, इसलिए मैनेजमेंट के ऑर्डर्स हैं कि सारे मर्दों की नसबंदी करा दी जाए। क्या? तो एक एक करके शुरू करते हैं? हाँ? नहीं साहब, नहीं। एक काम करते हैं, आपसे शुरू करते हैं, आइए। नहीं साहब, नहीं। आइए आइए आइए। अरे साहब, मुझे नहीं करानी साहब। आप करेंगे? आप आइए 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 आइए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।